तो सज्दे सहू एक रकात के बराबर होता है, वो कितना हो जाएगा, चौथी रकात को मुकम्मिल कर देगा। अब उसे शक हुआ कि उसने तीन पढ़ी या चार पढ़ी, और उसने वाकई में चार पढ़ी, जिसको वो तीन समझ रहा था, तीन को चार समझ रहा था, सज्दे सहू करने की इरादा किया, एक रकात पढ़ ली, जबकि उसने एक्चुअल में चार ही पढ़ी। तो अगर चार पढ़नी थी, गलती समझा उसने, सजदे सहू कर लिया और हकीकत में चार ही पड़ी, तो ये सजदे सहू शैतान को रुसवा करने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो एक रकात के खाय मुकाम है, अगर रकातें बराबर है तो सजदे सहू की वजह से शैतान जलील होता है, इसलिए कि चूँकि शैतान जाहिर सी बात है उसने आपको भूल डाली है, शैतान ही तो भूल डालता है ना नमाज में इबादत में, तो जाहिर सी बात है जब आप सजदा सहू करते हैं और अगर बराबर रकातें थी लेकिन आपको शक हुआ, ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने चार पढ़ी या तीन पढ़ी, जबकि आपने बराबर तीन पढ़ी और आपने उसको तीन समझ के फिर चौथी किया, तो चार ही रकात हुई, लेकिन सजदे सहू की वजह से शैतान जलील हो गया। आपको लगा तीन है चार है, जबकि आपने चार बराबर पढ़ी थी, आपने एक और खड़े हो गए, आप चार मतलब तीन समझ के खड़े पाँच ही पढ़ ली, सजदे सहू मिलकर क्या हो गया, दो रकातें बन गई, एक दो रकात नफिल का सवाब। इसी तरह आपको तीन या चार पर शक था और वाकई में आपने तीन ही पढ़ी थी, ठीक, और सजदे सहू आपने कर लिया, जबकि आपको लग रहा है कि मैंने चार कर ली, सजदे सहू कर लिया, तो सजदे सहू एक रकात के बराबर हो गया, तो ये चार रकात पूरी हो गई। तो सजदे सहू एक रकात के खायम मुकाम है, कम हो जाए तो पूरा कर देंगी, ज़्यादा रकातें होंगी तो दो को अलग करके सवाब दे देंगी, और अगर बराबर थी तो शैतान को जलील कर देंगी, रुसवा कर देंगी, कि उसने आपको भुलाना चाहा लेकिन आपने फिर भी सजदे सहू करके अपने रब से जो है उसकी तलाफी कर ली, उस कमी को पूरा कर दिया। समझ में आई बात।